हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू मोहक इंस्टीट्यूट। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं फ्रेंड्स, वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 20 एक्सरसाइज 1B से क्लास 10 RS अग्रवाल की मैथ्स की बुक है। रियल नंबर चैप्टर का नाम है। यहां पे फ्रेंड्स गिवन है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 20 हमें देखना है बुक से। पेज नंबर 18 में ये क्वेश्चन गिवन है। फाइंड द लीस्ट सॉरी 20 हमें देखना है। ओके, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फोर डिजिट्स विच इज़ एक्चुअली डिविजिबल बाय 15, 24 एंड 36। हमें फोर डिजिट का ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है जो 15, 24 एंड 36 से डिविजिबल हो। ओके, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स कुछ और क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं इस एक्सरसाइज से। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 से हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं, 6 है, 8, 9, 10, इस तरह से फिर पूरा कंटिन्यूस आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। फ्रेंड्स पहले आप ये सारे क्वेश्चंस जो हैं एग्जांपल से समझिए, आप कुछ एक वीडियो से समझिए और फिर खुद से प्रैक्टिस करिए। एंड अगर उसके बद आपको कोई डाउट है, नहीं आ रहा है सोल्यूशन, तो फिर आप उसके लिए वीडियो ज़रूर से देखिए। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर फोर डिजिट का हमें ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है जो डिविजिबल हो 15, 24 एंड 36 से। तो सबसे पहले फ्रेंड्स एज वी नो फोर डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है। फोर डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर इज इक्वल टू 9999। ये हो गया। अब हमें क्या चाहिए, 15, 24 एंड 36 से डिविजिबल हो ऐसा फोर डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं LCM प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तीनों नंबर का। ठीक है, 3 से जाएगा 3, 5 जो 15, 5 1 जो 5, ये हो गया 24, 2 से जाएगा 2 1 जो 2, 2 2 जो 4, 2 6 जो 12, 2 3 जो 6 एंड 3 1 जो 36, 2 से 2 1 जो 2, 2 8 जो 16, 2 9 जो 18, 3 3 जो 9 एंड 3 1 जो 3। फिफ्टीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5। 24 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2, सॉरी यहाँ पे क्या है, 2 की पावर 3 है, इंटू में 3 है। और 36 क्या है, 2 की पावर 2 है, इंटू में 3 की पावर 2। तो फ्रेंड्स यहाँ पे LCM क्या हो जाएगा, LCM ऑफ 15, 24 एंड 36 इज इक्वल टू जो हाईएस्ट पावर है, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है इस पूरे में, 2 की पावर 3, इंटू 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2, 5 की हाईएस्ट पावर क्या है, 1, 2 की पावर 3 आ गया 8, इंटू में 3 की पावर 2 आ गया 9, इंटू में 5, 8 इंटू 5 40, इंटू 9 इज इक्वल टू क्या हो गया, 360। यहाँ पे क्या आ गया फ्रेंड्स, LCM। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी हमें क्या मिला है, 15, 24 और 36 का LCM मिला है। इसके बाद से क्या होगा, अब इससे हम डिवाइड करेंगे 9999 को जो कि फोर डिजिट का ग्रेटेस्ट डिजिट है। ठीक है, देखते हैं हमें यहाँ पे क्या मिलता है। 9999 डिवाइडेड बाय 360, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 2 टाइम में शायद जाएगा 360 इंटू 2, 0 से 0 720 आ जाएगा, सबट्रैक्ट हो जाएगा, क्या आएगा, 9, 7, 2, 2, 7, 9 नहीं जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 9 यहाँ पे ले लेंगे। अब मल्टीप्लाई करके हम देख सकते हैं कितने टाइम्स में जाएगा डिवाइड, 360 इंटू 8 अगर हम करें तो क्या आएगा, 7 टाइम्स में करते हैं, 2 5 2 0, ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, 7 टाइम्स में जाएगा 2 5 2 0, क्या बचेगा रिमेनिंग, 9 7
279। अगेन जो मैं यहाँ फर्स्ट टर्म में बचा था वही यहाँ पे बच रहा है 279। ओके तो रिमाइंडर यहाँ पे हमें क्या मिला है 279। देन फ्रेंड्स जो हमारा आंसर है रिक्वायर्ड फोर डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है वो क्या हो जाएगा, हेंस रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 9999 - 279। जो रिमाइंडर है उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, क्या मिलेगा, 9 से 9 गया 0, 9 में से 7 गया तो 2, 9 में से 2 गया तो 7 एंड यहाँ पे 9 है, दैट इज 9720। ये हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर। ओके इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी ने देखा कंप्लीट सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिख लिया है, एलसीएम फाइंड करेंगे 15, 24, 36 का जो हमें मिल गया है 360। देन 360 से हमने डिवाइड किया 4 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर को और जो रिमाइंडर बचा उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है उसी नंबर से, देन हमें हमारा रिक्वायर्ड नंबर मिल गया है। ओके फ्रेंड्स इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। फ्रेंड्स इस तरह के कई सारे क्वेश्चन जो भी आएंगे हमें इसी तरह से सॉल्व करना है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक देखने के लिए। फ्रेंड्स अगर वीडियो के थ्रू आपकी हेल्प होती है किसी भी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करने में समझने में तो लाइक एंड शेयर ज़रूर से करिएगा। फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा फ्रेंड्स फॉर द न्यू नोटिफिकेशन। एंड फ्रेंड्स सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है आप पहले कोई भी क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की क्वेश्चन को पढ़िए समझिए उसको क्लियर करिए कि उसमें क्या चीज़ें गिवन है और क्या चीज़ें हमसे पूछ रहा है। देन आपने इसके पहले एग्जांपल्स सॉल्व किए हैं और चैप्टर में जो कई सारे रूल्स दिए रहते हैं डेफिनेशंस दी रहती है वो आपने पढ़ी हैं, इन सब का यूज़ करते हुए पहले आपको खुद से सॉल्व करना है। अगर कोई डाउट है कोई प्रॉब्लम हो रही है देन फ्रेंड्स ये वीडियोज़ हैं जिसकी मदद से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, प्रैक्टिस करते रहिए मैथ्स की एंड बी हैप्पी।